अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर विकीज़ वर्ल्ड। आज हमारे कॉलेज में जो है वो एक्सपो चल रहा है, कल्चरल एक्सपो। हे रिहान, हाउ आर यू? हमें भी कैसे हो यार? ये जानी है हमारा, जानी है। आज वो है ना, कल्चर एक्सपो है ना, ये डिफरेंट कल्चर्स हम देखेंगे। ऐसे हम तो कल्चर एक्सपो देखते हैं, लेकिन लोगों को मौका मिलता है जिंदगी बनाने का। हे हमास, हाउ आर यू? हमास क्या हाल है यार? I'm not fine. कर रहा है? हेलो अली। ये क्या शो कर रहा है यार? ये वाली पेंटिंग, ये वाली, ये हाँ ये वाली यार। ये पेंटिंग जो शो कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन ये समझ आ रहा भाई, इनका भी कपड़ बन गया। और तू तेरा क्या बना है? अब डूब मरने का मौका हमें। तो अभी हम ये करेंगे कि हम जितने भी यहाँ पे स्टॉल है सबके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो उनका जो स्टॉल है वो कौन से मतलब कल्चर के बारे में है और उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया है। आप सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपका ईयर कौन सा है और आपका स्टॉल क्या है, मतलब क्या है और आप क्या कर रहे हैं? आप कल्चर वाले हैं और हमारा स्टॉल है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान, हमारा जो हमारे इधर चार कल्चर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, केपी, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और मेरा जो पर्सन ये, तो मैं पठान हूँ। तो बोला सर पुख्तु क्रेमा देखाऊंगा खर्चा हो लस्सी लस्सी बने होंगे सिर लगे दूंगा पर लस खर्चा हो 200 रुपीज। जाऊँ सर नोर ऑप्शन कितनी कर चाहिए दूँ सर जाऊँगा खर्चा हो पर 200 रुपीज। जाऊँ सर देखो अभी बैंगल दी आऊँगा 300 वाली पर हेड खर्चा हो। और बाकी हमारे साथ डिफरेंट स्टॉल थे, डिफरेंट कल्चर थे। हमारे साथ बलोची कल्चर की सच्ची पड़ी है, वो हमसे किसी ने खरीद ली वो बिक गई। अरे साथ इधर बिरयानी पड़ी है, ये पंजाब कल्चर की है, अभी तक नहीं बिकी। अगर कोई आ जाए या खुद, अगर कोई आ गए उनसे ले लेंगे, कोई नहीं आया फिर हम खुद ही खा लेंगे इसको। तो अभी जो है हम नेक्स्ट स्टॉल पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो है मेरे साथ फैजान मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इनका जो स्टॉल है ये किस बारे में है और ये कौन से कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम तुर्की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टॉल में। ये हमारा सुल्तान था इसमें, और हाँ ये सुल्तान था। और बाकी हमारे फेलो कलीग्स ने जो है ना ये फॉर्चून कुकीज की हैं, इसमें जो है ना कावा है। और बस ये थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि हम रिप्रेजेंट कर दें तुर्की कल्चर को। नहीं, आपने ये रिप्रेजेंट तो किया, क्या आप लोगों ने तुर्की वाला डांस भी किया था, जो मशहूर डांस है? तुर्की का डांस हमने जो है ना, हमारे दोस्तों ने तुर्की का डांस बड़ा मशहूर किया था। आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप डाल दें उसमें वीडियो में अपनी। सो थैंक यू सो मच फैजान। ये जो है ये तुर्की स्टॉल था, फैजान ने बताया कि इसमें क्या क्या था। थैंक यू सो मच। Habibi, come to Dubai. Habibi, Habibi, Habibi. अच्छा अभी जो है हम एक अरेबिक स्टाइल स्टॉल में आ गए हैं। हम उनके शेख से जो है वो पूछेंगे कि ये स्टॉल आपने क्या सोच के लगाया, क्या इसका मकसद क्या था। शेख साहब पहले आप चाय ले लें, ठीक है, बात कर लेते हैं। असल में ये हमारा RMC 2023 एक्सपो, कल्चर एक्सपो चल रहा है। उसमें हमने सऊदी अरेबिया कल्चर को प्रमोट किया। उसमें मेरा रोल एज अ फादर है और ये तीन मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और तीन गलतियाँ ये बोल सकते हैं, ये अभी खुद वो कर रहे हैं एक्सेप्ट, हम कुछ कह नहीं सकते। ये मेरा शैतान बच्चा है, ये बदतमीज़ है, ये खबीस है। गलती कर रहे हो घर में, बता दूंगा, बता दो ना। वैसे भी चार बीवियाँ पाल के मैंने तुम लोगों को पैदा किया है, ठीक है। आप अतर रहमान, आप बताएं कि आपके स्टाइल की जो खसूसियात क्या है? ये तो असल में हमने अरबिक जो कल्चर है उसको प्रमोट करना था। हमें तो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट
कि हम अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें। हमारे पास चीज़ें भी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो ये शैतान अब्बा है, ये कहीं से लाया था, पता नहीं किससे मांगे थे। तो बहुत मज़ा आया, और बस अभी इख्तिताम, ठीक है, थैंक यू सो मच।